तो यार दोस्तों, कैसा चल रहा है सब कुछ। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह भाटी और आप लोग हो टेक मैकेनिक पे। तो पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन चल रहा है कि क्या फोर्टनाइट इस महीने आएगा, अगले महीने आएगा, या सिर्फ चाइना के लिए आएगा या ग्लोबल आएगा। तो आज हम सब इसी बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि फोर्टनाइट का क्या सीन चल रहा है एंड्रॉयड को लेके, क्योंकि इंतज़ार बहुत हो चुका है यार। तो यार कुछ दिनों पहले टेंसेंट गेम्स ने एक पोस्ट डाली थी फोर्टनाइट को लेकर, और उसमें एक कैलेंडर भी था जिसमें डेट लिखी हुई थी 24 जुलाई। तो एक सामान्य बुद्धि वाला मनुष्य क्या सोचेगा कि फोर्टनाइट एंड्रॉयड के लिए 24 जुलाई को आएगा? बिल्कुल ये सोचेगा यार, क्योंकि इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है, क्योंकि फोर्टनाइट को एंड्रॉयड के लिए काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन ये बहुत टाइम लगा रहा है। तो इस 24 जुलाई को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि टेंसेंट गेम्स एंड्रॉयड के लिए फोर्टनाइट लॉन्च कर देगी। और टेंसेंट गेम्स जो है ये एक चाइनीज़ गेम कंपनी है जिसके पास एपिक गेम्स के 40% राइट्स है। एपिक गेम्स वही है जिसने फोर्टनाइट को डेवलप किया है। तो एक चाइनीज़ कंपनी होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि टेंसेंट गेम्स सबसे पहले इसको सिर्फ चाइना में ही रिलीज़ करेगी, जैसे कि पबजी के साथ हाल हुआ था। लेकिन हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एंड्रॉयड में हम APK से भी गेम चला सकते हैं, और उसके बाद शेयर करने के लिए तो जेंडर है ही। तो इसीलिए टेंसेंट गेम्स भी थोड़ा आगे पीछे हो रहा है इसको लॉन्च करने के लिए, क्योंकि जैसे ही फोर्टनाइट एंड्रॉयड के लिए रिलीज़ हुआ, एक ही दिन में इसको मिलियंस ऑफ यूज़र्स खेलेंगे, जिससे कि इसके सर्वर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और मेरे ख्याल से तो इसके सर्वर डाउन भी हो सकते हैं। इसीलिए एंड्रॉयड में रिलीज़ करना इतना आसान नहीं है जितना कि एप्पल में रिलीज़ करना है, क्योंकि आईफोन और आईपैड्स नंबर में बहुत कम हैं अगर हम उनको कंपेयर करें एंड्रॉयड डिवाइसेस से। तो यार देखो, यहाँ पे कुल मिला के 3 बातें हैं। 24 जुलाई को एंड्रॉयड के लिए फोर्टनाइट आ सकता है। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ चाइना के लिए है और उसके बाद ग्लोबल वर्जन वगैरह है, ठीक है? तो ये 2 बातें हो सकती है। और तीसरी बात यह है कि अगर 24 जुलाई को किसी को फोर्टनाइट की APK का लिंक मिल जाए तो प्लीज़ उसे कमेंट में पेस्ट कर देना। तो यार ये थी सारी जानकारी जो मेरे पास थी फोर्टनाइट को लेकर एंड्रॉयड के लिए। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।